गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 2 जिसका शीर्षक है वर्णमाला, इस पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा और उसको समझा था। चलिए इसका अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पाठ को दोहरा लेते हैं। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके भाग होते हैं स्वर, आयोग व व्यंजन। स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वर्ण संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ओ। ये 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा आह आयोगवाह होते हैं। अंग तथा आह को आयोगवाह कहा जाता है दोनों को, और अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है और आह को वर्ण के बाद 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है, और आह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। यानी कि जब हम किसी वर्ण के बाद, किसी शब्द के बाद जब अह की मात्रा लगी हो, यानी कि विसर्ग लगे हो, तो जब हम उसको बोलेंगे तो बोलते समय उसमें ह की आवाज आती है, जैसे प्रातः, पुनः, क्रमशः आदि। इन वर्णों के भी, इन शब्दों के पीछे विसर्ग लगा होता है, तो इनको जब हम बोलते हैं तो ह की आवाज आती है, जैसे प्रातः, प्रायः, क्रमशः आदि। और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। अभ्यास, पहला अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? इसका उत्तर है, वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, ई की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। बड़ी ई की मात्रा वाले 2 शब्द बताने हैं हमें, तो हम उत्तर में लिखेंगे नीम, कील। ई की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। उत्तर है नीम, कील। अगला अभ्यास है नंबर 2,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओ तथा अ की मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर दो शब्द ओ की मात्रा वाले लिखने हैं और दो शब्द अ की मात्रा वाले लिखने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, पहले ओ की मात्रा वाले दो शब्द ओखली और कोयल। ओ की मात्रा वाले दो शब्द हैं ओखली कोयल। फिर लिखेंगे ओ की मात्रा वाले दो शब्द, ओ की मात्रा वाले दो शब्द हैं पौधा औरत, पौधा औरत। अगला प्रश्न है, चंद्र बिंदु वाले दो शब्द लिखिए। यहाँ हमें चंद्र बिंदु वाले दो शब्द लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे, आँख चांद, आँख चांद। अगला अभ्यास है नंबर 3, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके आगे एक कोष्टक दिया गया है, उसमें आपको दो विकल्प दिए गए हैं। जो भी सही विकल्प है उसको आपको खाली स्थान में फिल करना है। पहला देखेंगे, क वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। विकल्प है 9, 11। तो वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, इसलिए हम खाली स्थान में लिखेंगे 11। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ख डैश की कोई मात्रा नहीं होती। विकल्प है ई अ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम खाली स्थान में लिखेंगे अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ग व्यंजनों के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। स्वरों व्यंजनों, व्यंजनों के साथ किसका प्रयोग होता है मात्राओं के रूप में? स्वरों का। तो यहाँ पर हम खाली स्थान में लिखेंगे स्वरों। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। अगला अभ्यास है नंबर 4, सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको सही वर्ण के ऊपर अंक की मात्रा लगा के उस शब्द को बनाना है। पहला देखेंगे, यहाँ लिखा है बदर, यहाँ लिखा है बदर। तो हम क्या करेंगे, उसके सामने लिखेंगे ब, ब के ऊपर अंक की बिंदी, द र, तो बन जाएगा बंदर। ब के ऊपर अंक की बिंदी लगाएंगे तो बन जाएगा बंदर। अगला है कधा, यहाँ लिखा हुआ है कधा, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कंधा। तो कंधा लिखने के लिए हमें किसके ऊपर बिंदी लगाएंगे, क के ऊपर, क अंक की बिंदी, ध अ कंधा। अगला है गग्गा, यहाँ पर हम लिखा हुआ है गगा, तो कहाँ पर लगाएंगे हम बिंदु, ग के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे, ग के ऊपर, ग अंक बिंदु, ग आ गंगा। ग के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा गंगा। अगला है हंस, इसको हंस बनाने के लिए हम बिंदु लगाएंगे, ह के ऊपर, ह अंक बिंदी, स हंस, तो शब्द बनेगा हंस। बंदर, कंधा, गंगा,
हंस। अगला अभ्यास है सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। इसी तरह से हमें इस अभ्यास में क्या करना है, इससे पहले वाले अभ्यास में हमने बिंदु लगाकर शब्द बनाए थे और इसमें हमें चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को बनाना है। तो हम सबसे पहले इसको हमें पांच बनाने के लिए हम प के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा पांच। इसी तरह से आँच बनाने के लिए अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा आँच। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा आँच। अगला अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा आँख। और स के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा सांप। पांच आँच आँख सांप, पांच आँच आँख सांप। अगला अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ आपको तीन विकल्प दिए गए हैं और उसमें से जो भी सही विकल्प है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको राइट लगाना है। पहला है स्वर होते हैं 13, 7, 11। कितने होते हैं बच्चों स्वर? 11। यस 11। तो 11 के सामने राइट लगाएंगे, ग 11 के सामने राइट लगाएंगे। नंबर टू, व्यंजन होते हैं 23, 43, 33। कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? यस 33। तो ग 33 के सामने राइट लगाएंगे, ग 33 के सामने राइट लगाएंगे। नंबर थ्री, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं फूलमाला, जयमाला, वर्णमाला। क्या कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को? फूलमाला कहते हैं, जयमाला कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? यस, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के सामने हम राइट लगाएंगे, वर्णमाला। फिर अगला अभ्यास है रचनात्मक गतिविधियां। नंबर वन पे है श और स का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। क्या करना है हमें, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें क्या करना है, श और स का प्रयोग करके चित्रों को के नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है, देखेंगे पहला चित्र है शेर। पहला चित्र दिया गया है यहाँ पर आपको शेर का, तो चित्र के नीचे लिखेंगे शेर, शेर। अगला जो चित्र दिया गया है वो है शीशा, यहां लिखेंगे शीशा, शीशा। अगला चित्र है सपेरा, यहां लिखेंगे सपेरा, सपेरा। अगला अभ्यास है नंबर टू, व और ब का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ हमें व और ब का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप भी आपको तीन चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है बकरी, पहला चित्र जहाँ दिया गया है वहाँ लिखेंगे बकरी, बकरी। अगला चित्र है नाव, अगला चित्र है नाव, यहां लिखेंगे नाव। अगला चित्र है बंदूक, बंदूक, यहां लिखेंगे बंदूक। ये चित्र है बंदूक का,
तो यहां लिखेंगे बंदूक। अगला अभ्यास है नंबर 3। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहां आपको दो चित्र दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि आपको जो चित्र दिए गए हैं उनके सामने आपको उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ जो पहला चित्र है वो है पहाड़। पहला चित्र है पहाड़, तो पहले वाले चित्र के सामने लिखेंगे पहाड़। पहाड़। अगला चित्र है जो आपको दिया गया है पेड़। अगले चित्र के सामने लिखेंगे पेड़। पेड़। तो बच्चों, इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।